आज हम लोग करेंगे अकैडल का डिटेल्ड रिव्यू। हाय गाइज, मेरा नाम है कृपेश आडवाणी। यहाँ पर हम लोग ने काफ़ी बात करी है ऑनलाइन कोर्स प्लेटफॉर्म से रिलेटेड, जैसे कि टीचेबल, थिंकिफिक। तो आज हम लोग ऐसे ही एक सर्विस के बारे में बात करने वाले हैं, अकैडल, जो कि एट प्रेजेंट ये डील के ऊपर चल रही है, लाइफ टाइम डील है इसकी। तो आज हम लोग देखेंगे क्या है, क्या आपको लेना चाहिए, क्या इसके फ़ायदे हैं, क्या इसके नुकसान हैं, सब कुछ ए टू जेड आज के इस वीडियो में। तो अकैडल क्या है? ये एक ऑनलाइन टीचिंग और अकेडमी बिल्डिंग के लिए प्लेटफॉर्म है, जैसे कि टीचेबल है, थिंकिफिक है। यहाँ पर जैसे कि वर्डप्रेस में LMS सिस्टम होते हैं, लर्न डैश वगैरह होता है, उस तरीके का ये प्लेटफॉर्म है। ये डेवलप किया गया है वहामीन टेक्नोलॉजीज के थ्रू, जो कि बेस्ड है US, कोरिया और इंडिया में। इसके जो फाउंडर है वो निज़ाम है, जो कि बेस्ड है आउट ऑफ बैंगलोर इन इंडिया। एंड इसका जो डेटा है वो भी ये लोग इंडिया में ही स्टोर करते हैं, सो दैट्स गुड। प्राइसिंग की बात करूं तो इनका कोई यहाँ पर फ्री प्लान नहीं है, और जो इनकी रेगुलर प्राइसिंग है वो मार्केटिंग प्लान के लिए $39, $99 मंथली और $399 मंथली है। तो जैसे कि टीचेबल, थिंकिफिक है, वैसे ही यहाँ पर इनकी भी रेगुलर प्राइसिंग है। और अभी एट प्रेजेंट ये AppSumo पे डील पे चल रहा है, अकैडल, ये आपको यहाँ पर डील मिल जाएगी इसकी, जो कि है $69 लाइफ टाइम के लिए, जिसमें आपको ये 500 यूज़र्स तक मिल जाएंगे। और अगर आपको और ज़्यादा यूज़र्स चाहिए तो आपको ज़्यादा यहाँ पे करना पड़ेगा। और अगर आपको और फीचर्स चाहिए तो फिर आपको यहाँ पे इनके 5 कोड लेने पड़ेंगे। इंटरफेस की बात करूँ तो जैसे ही आप लोग यहाँ पे लॉगिन करते हो, आपको यहाँ पर इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देता है कि कितने यूज़र्स है, कितनों ने इनरोल कर दिया है, कितनी स्टोरेज है आपकी, कितने GB आपकी यहाँ पर बची है। इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिलता है। जैसे ही हम लोग यहाँ पे अकेडमी पे जाते हैं, आपको इस तरीके का ये फिर से बोलेगा कि यहाँ पे लॉगिन करो। तो यहाँ पर मैं क्विकली लॉगिन वापस से कर लेता हूँ अकेडमी के अंदर, जो मेरा एडमिन क्रेडेंशियल्स है, मैं यहाँ पर ही लॉगिन कर लेता हूँ। और ये यहाँ पर मुझे एक डैशबोर्ड बता देता है, एक क्विक ओवरव्यू दे देता है कि मेरे कितने कोर्स है, कितने यहाँ पर एक्टिव है, कब कब एनरोल हुए, वो सब कुछ मिल जाता है। फिर यहाँ पर हम लोग जाते हैं कोर्सेज के ऊपर। यहाँ पर आप लोग अपने कोर्सेज को क्रिएट कर सकते हो। तो क्रिएट न्यू कोर्स पे जाता हूँ तो यहाँ पर अपने कोर्स का नाम दे सकते हो, डिस्क्रिप्शन दे सकते हो, टाइमिंग वगैरह अगर आपको देनी है तो दे सकते हो। अनलॉक मतलब कितने दिन बाद एक कोर्स का एक्सेस खुलेगा, अगर आप लोग यहाँ पर एक लॉन्च शेड्यूल कर रहे हो तो इसका यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। एंड देन यहाँ पर एक लाइव कोर्स का भी ऑप्शन है, अगर आपको स्ट्रीमिंग वगैरह करनी है, जैसे कि हम लोग लाइव स्ट्रीम वगैरह शेड्यूल करते हैं, अगर आपको उस तरीके का कुछ करना है इसके अंदर। यहाँ पर मैं अपना वीडियो का लिंक डाल दूंगा एंड देन यहाँ पर मैं अपने टाइम शेड्यूल कर दूंगा कि कब मुझे इसको यहाँ पर लाइव करना है। लेसन्स की बात करूं, वीडियो लेसन्स की बात करें तो वीडियोस को आप लोग यहां पर अपलोड कर सकते हो MP4 फॉर्मेट में, लेकिन यहां पर वीडियो प्लेबैक नहीं होंगे। वीडियो को प्लेबैक करने का कोई ऑप्शन नहीं है, उनको यहां पर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं या फिर यूट्यूब से एम्बेड कर सकते हैं, उसका ऑप्शन यहां पर आपको मिल जाता है। PDF लेसन की बात करें तो आप लोग PDF को यहां पर अपलोड कर सकते हो और PDF यहां पर प्रीव्यू भी हो जाएगा। अभी यूजर्स को कैसे दिखेगा वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा कि यहां पर यूजर का इंटरफेस कैसे देखने को उनको मिलता है, ये एडमिन इंटरफेस है। एम्बेड की बात करें तो एम्बेडिंग के यहां पर सारे ऑप्शंस हैं। मैंने यूट्यूब का वीडियो एम्बेड किया, मैंने यहाँ पर ट्विटर की ट्वीट एम्बेड करी है, दोनों यहाँ पर सक्सेसफुली हो गए हैं। फिर यहाँ पर आप लोग एक ही फाइल में अपना टेक्स्ट भी डाल सकते हो, इमेज भी डाल सकते हो, उसके अंदर टेबल्स वगैरह भी क्रिएट कर सकते हो, PDF भी डाल सकते हो। तो डिसेंट ऑप्शन देके रखे हैं, लेकिन वीडियो के लिए अगेन यहाँ पर आप लोग वीडियोज को अपलोड नहीं कर पाओगे। देन इनके पास इनका क्विज लेसन भी, अगर आपको यहाँ पे क्विजेस डालने हैं तो फिर आप लोग वो डाल सकते हो। क्विजेज में आप लोग सारे ऑप्शंस दे सकते हो, उसका स्कोर डिसाइड कर सकते हो कि कितना स्कोर मिलेगा, एंड देन जो उसके रिजल्ट्स रहे हैं वो भी आप लोग यहाँ एडमिन पैनल से देख सकते हो, कितने लोगों ने उस वो टेस्ट लिया, कितने लोग पास हुए, कितने लोग फेल हुए, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आप लोग सेट कर सकते हो। कोडिंग लेसन्स की बात करूँ तो कोडिंग लेसन्स यहाँ पर आप लोग कोड डाल सकते हो, लेकिन ये कलर कोड नहीं होगा, सो दैट्स बैड। यहाँ पर आपको ड्रिप शेड्यूल का ऑप्शन भी मिल जाता है। ड्रिप शेड्यूल मतलब पहले दिन मेरा ये वाला लेसन गया, उसके बाद मेरा सेकंड लेसन जाना चाहिए, वो सब आपको ड्रिप शेड्यूल पे मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग सेटिंग्स पे जाएंगे, एडिट पे जाएंगे एंड देन अनलॉक इन डेज। ये बेसिकली ट्रिप शेड्यूल ही है कि मैं चाहता हूँ ये 2 दिन बाद ये वाला लेसन हो, तो यहाँ पर मैं इसको सेव कर दूंगा। फिर 3 दिन बाद मेरा यहाँ पे PDF वाला लेसन जाए तो मैं यहाँ पे PDF पे जा करके अनलॉक इन डेज PDF वाला कर दूंगा। तो यूज़र को एनरोल करने के बाद हर एक दिन यहाँ पर आप लोग नया वीडियो उनको दे सकते हो। अब बात करते हैं हम लोग स्टूडेंट इंटरफेस के बारे में। जैसे ही यहाँ पर स्टूडेंट लॉगिन करेगा उसको यहाँ पर इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। मैं यहाँ पर क्विकली इसको रेज्यूम कर लेता हूँ। ये कोर्स है, वीडियो लेसन पे जाते हैं तो अगेन यहाँ पे वीडियो प्लेबैक नहीं होगा, वो उसको डाउनलोड कर सकता है, दैट्स इट, उसको अपने सिस्टम पर ये प्लेबैक करना पड़ेगा। PDF पे जाते हैं तो PDF लेसन कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये इट इज़ नॉट द मोस्ट प्लेजेंट व्यू फॉर अ PDF, हाफ दिख रही है, मैं यहाँ पर इसको फुल स्क्रीन वगैरह कुछ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन ठीक है, एम्बेड कर दिया इन्होंने, इट्स गुड। फिर यहाँ पर एम्बेडिंग के ऑप्शंस पर आते हैं तो यहाँ पर ट्विटर की फीड इस तरीके से दिखेगी, वीडियोस इस तरीके से दिखेंगे, यूट्यूब के वीडियोस आप लोग एम्बेड कर सकते हो इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी।
फिर और आते हैं तो यहाँ पर मैंने मिक्स डाल के रखा है, यहाँ पर इमेज भी है, टेक्स्ट भी है, इसमें नंबरिंग भी करी हुई है एंड देन टेबल्स भी बनाए हैं एंड देन यहाँ पर कार्ड भी यूज़ किया है एंड देन यहाँ पर यूट्यूब का वीडियो भी लिंक किया है, उसके नीचे यहाँ पर पीडीएफ को एम्बेड करके रखा है एंड देन अगेन कुछ कोड है हेलो वर्ल्ड, ये यहाँ पर HTML डाल के रखा है, अगर आपको HTML डालना है तो वो भी डाल सकते हो। क्विज लेसन्स की बात करें तो क्विज लेसन यहाँ पर कुछ इस तरीके से दिखते हैं, यहाँ से हम लोग क्विज ले सकते हैं एंड देन आपको यहाँ पर आपका स्कोर भी दिख जाएगा, अच्छे हैं इनके क्विज लेसन, दीज आर गुड। फिर कोडिंग लेसन्स में अगेन यहाँ पर आपको कलर कोडेड कुछ नहीं मिलेगा, इस तरीके से आपको कोडिंग लेसन्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और फिर स्टूडेंट्स यहाँ पर अपने प्राइवेट नोट्स भी ले सकते हैं, जैसे अगर यहाँ पर मैं कोई लेसन देख रहा हूँ, PDF वगैरह पढ़ रहा हूँ, मुझे इसमें यहाँ पर कुछ क्विक नोट करना है तो यहाँ पर मैं वो कर सकता हूँ, कोई इंस्ट्रक्टर इसको नहीं देख सकता है, सिर्फ स्टूडेंट ही इस चीज़ को देख सकता है। फिर यहाँ पर डिस्कशंस का भी ऑप्शन है, अगर यहाँ पर यूजर्स को कमेंट वगैरह करना है या फिर कुछ क्वेश्चंस वगैरह हैं तो फिर वो डिस्कशन टैब के थ्रू यहाँ पर ज्वाइन इन कर सकते हैं, बेसिकली एक कम्युनिटी फॉर्म कर सकते हैं। Acadle के बारे में अगर आपको और जानना है तो इसका डिटेल्ड आर्टिकल आपको मेरे ब्लॉग पर मिल जाएगा, तो एक्स्ट्रा डिटेल्स के लिए आप लोग जाके वो एक बार पढ़ सकते हैं। स्टूडेंट प्राइसिंग की बात करूं तो यहाँ पर वन टाइम पेमेंट का ऑप्शन है, यहाँ पर आप लोग प्लान क्रिएट कर सकते हो, यहाँ पर तीन बेसिकली इन्होंने अलग अलग नाम देके रखे हैं, डायमंड प्लान, सिल्वर प्लान, बंडल कोर्स। तो अगर आपको दो तीन चीज़ें एक साथ बेचनी है तो आप लोग सिल्वर, डायमंड प्लान और बंडल कोर्स करके यहाँ पर बेच सकते हो, दो तीन कोर्स आपने क्रिएट कर दिए तो उस तरीके से यहाँ पर आप लोग प्लान्स बेच सकते हो, प्राइसिंग उसकी सेट कर सकते हो एंड वन टाइम पेमेंट ही है। एट प्रेजेंट यहाँ पर EMI या फिर सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन नहीं है। पेमेंट प्रोसेसिंग के लिए यहाँ पर आप लोग स्ट्राइप का यूज़ कर सकते हो, वो इनबिल्ड है इनके प्लेटफॉर्म पर, यहाँ पर आपको अपनी की डाल देनी है, अपनी सीक्रेट की डाल देनी है एंड दैट्स इट, आप लोग इसको यहाँ पर यूज़ कर पाओगे। क्योंकि ये इंडिया से है आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पर रेजर पे का ऑप्शन भी मिल जाता, UPI का भी ऑप्शन मिल जाता तो ज़्यादा बेहतर रहता। होपफुली ये लोग फ्यूचर में यहाँ पर इंटीग्रेट कर देंगे इसको, और अगर अभी आपको चाहिए तो फिर आपको यहाँ पर प्लग एंड पेड का यूज़ करना पड़ेगा, इसको यहाँ पर आप लोग इनेबल कर सकते हो, ये इंटीग्रेशन है इन्हीं का, इसके थ्रू आप लोग रेजर पे वगैरह का यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगेन यहाँ पर इसकी भी एक्स्ट्रा फीस रहेगी, इनके भी यहाँ पर सब्सक्रिप्शन चार्जेस रहते हैं। फिर यहाँ पर आपको API और वेबहुक्स भी देखने को मिल जाते हैं, अगर डेवलपर्स है तो वो API का यहाँ पर फायदा उठा सकते हैं। वेबहुक्स भी आपको इनके बेसिक प्लान में भी आपको देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा है, मतलब जैसे ही मेरे कोर्स में कोई एनरोल करेगा तो मैं वेबहुक्स के थ्रू यहाँ पर उनको अपनी ईमेल लिस्ट में ऐड कर सकता हूँ, मैं उनको यहाँ पर ऑटोमेटेड ईमेल्स भेज सकता हूँ, तो वेबहुक्स मुझे इसके अच्छे लगे हैं। कूपन्स की बात करूँ तो यहाँ पर आप लोग कूपन कोड जनरेट कर सकते हो, बल्क कूपन कोड भी जनरेट कर सकते हो एंड देन बल्क में आपके यूनिक कूपन कोड जनरेट कर देगा, कूपन कोड जनरेटर इज गुड। अब बात करते हैं हम लोग इनके पेज बिल्डर के बारे में, तो जो मेरे पास प्लान है उसमें मैं यहाँ पर ये रहा मेरा होम पेज, मैं इसको यहाँ पर चेंज कर सकता हूँ, इनकी डिफरेंट टेम्पलेट्स है, मैं इनका यूज़ कर सकता हूँ, कुछ यहाँ पर इमेजेस वगैरह चेंज कर सकता हूँ, इसकी जो डिज़ाइन है, इसके जो कलर एलिमेंट्स है वो सब मैं यहाँ पर चेंज कर सकता हूँ। तो मेरे प्लान में बस मैं यही चेंज कर सकता हूँ, डिज़ाइन प्रो का अभी मेरे पास ऑप्शन नहीं है, तो यही है बस इनका यहाँ पे पेज बिल्डर। मेरे पास फिलहाल जो डोमेन है वो है kp.acadle.com, आप लोग चाहें तो इसको विजिट करके देख सकते हैं एंड यहाँ पर मैं इसको वाइट लिस्ट भी कर सकता हूँ, मतलब kp.acadle.com मुझे हटाना है, मुझे करना है courses.kripesh.com, तो वो भी यहाँ पर मैं कर सकता हूँ इस फीचर के थ्रू। सर्टिफिकेशन की बात करूँ तो आप लोग यहाँ पे स्टूडेंट्स को सर्टिफिकेट भी इशू कर सकते हो, यहाँ पर आपको काफ़ी सारी टेम्पलेट्स भी देखने को मिल जाती है, आपको यहाँ पर अपनी टेम्पलेट अपलोड करने की यूजुअली रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। एफिलिएट्स की बात करूँ तो यहाँ पर अभी कोई एफिलिएट सिस्टम नहीं है, आप लोग यहाँ पे स्टूडेंट को अपने कोर्स का एफिलिएट नहीं बना सकते हो। कस्टमर सपोर्ट की बात करूँ तो यहाँ पे लाइव चैट सपोर्ट है, मेरे एक्सपीरियंस में काफ़ी यहाँ पे फास्ट रिप्लाई आया था, इनफैक्ट सैटरडे संडे को भी यहाँ पर रिप्लाई आ गया था। हेल्प सेंटर भी है इनका, जिसमें ठीक ठाक इनके आर्टिकल्स है, FAQ सेक्शन भी है जो कि आपको यहाँ पर हेल्प करेंगे इसको स्टार्ट करने के लिए। इंटीग्रेशन की बात करूँ तो इनका इंटीग्रेशन यहाँ पर काफ़ी अच्छा है, यहाँ पर आपको वेबहुक्स तो मिल ही रहे हैं लेकिन बाकी जो सर्विसेज है उसका भी यहाँ पर आपको इंटीग्रेशन मिल रहा है, काफ़ी सारे यहाँ पे लाइव चैट के ऑप्शन है, अगर आपको लाइव चैट वगैरह डालनी है तो आप लोग इसका यूज़ कर सकते हो, ईमेल मार्केटिंग वगैरह यूज़ कर करते हो तो इंचार्ज वगैरह है। इनके रोड मैप की बात करूँ तो जो इनके वेबसाइट पर जो इनका रोड मैप है ये थोड़ा पुराना है, मतलब ये September 25 का है, कम्युनिटी इनसाइड अकाडल डिस्कशन का ऑप्शन तो आ गया है, किस कम्युनिटी की बात कर रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन September 25 से है ये यहाँ पर, और कुछ यहाँ पर मुझे रीसेंट चीज़ें नहीं दिख रही है, सब पुराना पुराना नवंबर अक्टूबर, तो काफ़ी पुराना लग रहा है। लाइव September 8, तो ये वाला इनका मुझे थोड़ा पुराना लग रहा है रोड मैप, शायद से इनका अगर कुछ नया हो तो मुझे उसका आइडिया नहीं है, लेकिन ये मुझे पुराना लग रहा है। इसमें से जो मुझे एक अच्छी चीज़ लगी वो ये था कि थ्राइव कार्ड का इंटीग्रेशन पे ये लोग काम कर रहे हैं, तो वन टाइम इंस्टॉलमेंट EMI का ऑप्शन आ जाएगा पेमेंट लेने के लिए,
एंड रेजर पे भी आ जाए तो अच्छा है, उसके बारे में मुझे यहाँ पर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। सो अगर मुझे इसका कोई रोड मैप का लेटेस्ट लिंक मिलेगा तो वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा। अब इससे पहले मैं इसके प्रोज और कॉन्स की बात करूँ, अगर अभी तक का आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो उसको थम्स अप जरूर दे दीजिएगा, इट रियली हेल्प्स मी अ लॉट। और एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर भी है कि ये वीडियो को अकाडल ने स्पॉन्सर नहीं किया है, हालांकि अगर आप लोग मेरे नीचे दिए गए लिंक से जाके परचेस करोगे तो मुझे थोड़ी कमीशन मिलेगी बिना कुछ आपके एक्स्ट्रा कॉस्ट पे किए हुए। इससे मुझे हेल्प मिलती है कि मैं इस तरह के अनबायस्ड वीडियोस आप लोगों के लिए ला पाऊँ। थैंक यू। अब अगर यहाँ पर मैं इसके कुछ प्रोज की बात करूँ तो ये काफ़ी ईजी है यूज़ करना। यहाँ पर वेबहुक API और इंटीग्रेशन ऑप्शन भी काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं इनके बेसिक प्लान में ही। यूनिक कूपन कोड्स को जनरेट किया जा सकता है, कस्टमर सपोर्ट इनका काफ़ी फास्ट है और वाइट लेबल भी कर सकते हैं। अब अगर मैं इसके कुछ कॉन्स की बात करूँ तो रेजर पे का यहाँ पर सपोर्ट नहीं है, इंडिया से है फिर भी नहीं है। पेज बिल्डर जो है वो काफ़ी बेसिक है, कुछ यहाँ पर ज़्यादा ऑप्शन आपको नहीं मिलते हैं। वीडियोज़ प्लेबैक नहीं होते हैं, यहाँ पर मेजर ड्रॉबैक है इसका। कोडिंग लेसन्स कुछ नहीं है और सब्सक्रिप्शन के ऑप्शन भी यहाँ पर नहीं देखने को मिलते हैं स्टूडेंट प्राइजिंग प्लान पर। सो इसको यूज़ करने के बाद मेरी क्या ओपिनियन है, मेरे हिसाब से ये टीचेबल और थिंकिफिक जितना पावरफुल नहीं है एट प्रेजेंट। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पे वर्डप्रेस पे एक LMS बनाने का सोच रहे थे लर्न डैश वगैरह का यूज़ करके, तो उससे बेटर है अभी के लिए आप लोग एट प्रेजेंट इसको लेकर के यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप लोगों का बजट कम है तो फिर स्टार्ट करने के लिए बुरा नहीं है, आप लोग इसको ले करके स्टार्ट कर सकते हो एंड डाउन द लाइन जैसे आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ेगी आप लोग शिफ्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आप लोग ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड हो, आपके काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं या फिर आपका काफ़ी बड़ा मार्केटिंग बजट है, तो फिर आप लोग दूसरे प्लेटफॉर्म्स की तरफ देख सकते हो, वो आपको यहाँ पर ज़्यादा अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर देंगे। तो इसमें एक बात ये भी ध्यान में रखने वाली है कि इस सर्विस को आप लोग ध्यान से इसके प्रोज एंड कॉन्स वगैरह देख के परचेस करिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जो LTD कम्युनिटी वाले रहते हैं, लाइफ टाइम डील वाले रहते हैं, उनके पास ऑलरेडी बहुत सारी लाइफ टाइम डील्स रहती है, तो वो एक दूसरे को यहाँ पर इंटीग्रेट करके काफ़ी अच्छे से इसका यूज़ कर लेते हैं। तो आप लोग भी पहले सोच लीजिएगा, जैसे अगर आपको लैंडिंग पेजेस वगैरह बनाने हैं तो बहुत सारे लोगों के पास यहाँ पे स्वाइप पेज का सब्सक्रिप्शन है जो उन्होंने काफ़ी पहले लेके रखा था। ईमेल मार्केटिंग के लिए सेंडफॉक्स है या फिर इंचार्ज है उसका यूज़ कर रहे हैं। फिर वेबहुक्स पे यहाँ पर पैबली जैसी सर्विस का यूज़ किया जा रहा है। तो जो प्रोफेशनल लोग हैं उनके पास ये सारी सर्विस है, जिनके काफ़ी सारे क्लाइंट बेस रहते हैं उनके पास ये काफ़ी सारी सर्विस है, तो वो लोग एक पेज बिल्डर अलग टूल से बनाते हैं, उस पर पेमेंट प्रोसेसर अलग यूज़ कर लेते हैं, फिर वो वेबुक्स का यूज़ करके उस पेमेंट को एक्सेप्ट करते हैं, API का यूज़ करके स्टूडेंट को उस कोर्स में एनरोल कर देते हैं। तो काफ़ी सारे वहाँ पर टूल्स का यूज़ होता है, एक अलग तरीके का वहाँ पर वेब शो बनता है। तो अगर आपके पास वो सब नहीं है और अगर अभी आपको ये सब समझ में भी नहीं आ रहा है जो मैं बोल रहा हूँ, तो कोई बात नहीं है, आप लोग इस टूल को देखो, इसके प्रोज एंड कॉन्स को देखो, अगर रिक्वायरमेंट है तो ले लो, नहीं है तो फिर दूसरे भी टूल्स है मार्केट में उनकी तरफ आप लोग देख सकते हो। सो दैट वुड बी ऑल फॉर दिस वन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो उसको थम्स अप दे सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इंटरेस्टिंग रिव्यू वीडियोज़ के लिए। एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।